हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड या आई रियली होप सबकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी जिससे पढ़ाई कर रहे होगे। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आज आपको मैं स्टडी से थोड़ा सा अलग वो चीज़ें बताने वाली हूँ जिनसे कि आपका जो स्ट्रेस है, आपका ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये सारी चीज़ें कम होंगी, इवन ख़त्म भी हो जाएंगी। और आप कैसे आपकी जितनी भी डिज़ायर, एम्स, गोल्स हैं उनको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स मैनिफेस्टेशन एंड जो भी आपका ओवर थिंकिंग एंड स्ट्रेस, इन सबको कम करके। वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करके, डायरी राइटिंग करके। तो मेरे पास फ्रेंड्स आप देखो 3 डायरी हैं अभी तक, तो 3 ही, अभी मुझे और ले आनी है। तो बेसिकली ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट डायरी एंड यू कैन सी मैंने क्या लिख रखा है। तो क्या हुआ, अभी मेरी ज़मीन बहुत गहरी है, एक वक्त आएगा मेरा आसमां बहुत ऊंचा होगा, UPSC, लबासना, IAS, माई ड्रीम। तो जितने भी मेरे ड्रीम्स हैं, जितने भी मेरे अप्स एंड डाउन वाले डेज होते हैं, सब कुछ मैंने इस डायरी में लिख दिया एंड ये मेरी फेवरेट डायरी है। मे बी आप लोग सोचो लिखने से क्या होता है, भला लिखने से भी कुछ होता हो? एंड बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आप लोग मुझे सुन रहे हो कि ऑलरेडी आप लोग लिखना पसंद करते होगे, डायरी राइटिंग करते होगे एंड यस मैनिफेस्टेशन पे बिलीव भी करते होगे। बिकॉज मैं तो 100% बिलीव करती हूँ एंड मैं इस चीज़ का प्रूफ भी हूँ कि आप कुछ भी सोचते हो और उसको लिखते हो तो वो चीज़ आपको 110% मिलती ही मिलती है। तो बस आज संडे भी है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा चलो पढ़ाई वढ़ाई अभी रात में करेंगे, आज पहले आराम से बैठ के अपनी जो भी डायरीज़ हैं मैंने उसमें जो भी चीज़ें लिख रखी हैं उनको पढ़ते हैं। एंड आज काफ़ी दिनों बाद, मैं सच बता रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं डायरी राइटिंग करना शुरू कर रही हूँ। एंड ऐसे ना करके महीने में जैसे मैं 2 या 3 बार ऐसे करके लिख लेती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि चलो लिखते भी हैं और आपसे शेयर भी करते हैं। फ्रेंड्स स्टडी तो डेली आपसे मैं शेयर करती हूँ, स्टडी व्लॉग एंड स्टडी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती, बट आज मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी शेयर करना बनता है क्योंकि आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम से यू नो परेशान रहते हो कि दिमाग में चलता रहता है, स्ट्रेस फ्री नहीं है, रिलैक्स नहीं है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, दिमाग शांत ही नहीं है। पूरे प्रॉब्लम की जड़ हमारा ये दिमाग शांत ही नहीं है। तो देखो शांत कर सकते हो उसको, पता है कैसे? जो भी चीज़ें दिमाग में आए, जो भी चीज़ें, इवन कुछ भी आ रहा है, गार्बेज है, क्लटर है, कुछ भी आ रहा है, फ्यूचर का, पास्ट का, सब डायरी ले आओ। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डायरी में लिखना शुरू करो, सब कुछ लिख डालो एंड आपको इतना रिलीफ फील होगा ना, आफ्टर फ्यू डेज़ यू विल फील लाइक सो रिलैक्स, सो लाइट। और देखो यहाँ पे मैंने कुछ मोटिवेशनल गीता के कोट लिख रखे हैं खुद को मोटिवेट करने के लिए। तो लिखना इज़ सच अ वंडरफुल हैबिट फ्रेंड्स, देर इज़ नो नीड ऑफ फ्रेंड्स, नो नीड ऑफ एनी वन। डायरी ले आओ, 2-3 ले आओ, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो एंड जस्ट राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वॉट एवर यू आर थिंकिंग। आपके जितने भी स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है एंड रिलैक्स नहीं रहता माइंड, शांति नहीं रहता, दिमाग में चलता ही रहता है, चलता रहता, दिमाग हमारा ट्रेन की तरह चलता है ना, तो प्लीज़ ये चीज़ें आप, ये हैबिट शुरू करो, डायरी ले आओ एंड डायरी राइटिंग करना शुरू करो। आपको विद इन 1 month इफेक्ट दिखेगा फ्रेंड्स, यू विल फील कि हाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आज से 1 महीने पहले जब मैं डायरी नहीं लिखती थी तो कितना ज़्यादा क्लटर था और आज मैंने लिख लिख के अपने दिमाग को शांत कर लिया। ओके, सो आपके जितने भी थॉट्स आते हैं दिमाग में उन सबको लिख डालो। इससे क्या होगा ना, जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपको लाइट फील होगा। एंड दूसरा ये फ्रेंड्स कि आपको जो भी डिज़ायर जॉब है, एम है, गोल है, उसको भी लिखो, बिकॉज उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, यू वॉन्ट दैट इन योर लाइफ इन रियलिटी। IAS बनना है ना रियलिटी में, तो उसको पहले लिख लो प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में, लाइक थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी एन IAS ऑफिसर, नाउ आई एम एन IAS ऑफिसर एंड मेरा कैडर ये है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। ऐसे ऐसे करके चीज़ें प्रेजेंट फॉर्म में लिखो एंड डेली सोने से पहले उस चीज़ को इमेजिन करो, अट्रैक्ट करो। और ऐसे जब आप करने लगोगे ना तो आपको एक दिन ज़रूर आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा, बिकॉज मैंने किया है, मैंने बहुत सारे डिज़ायर्स अपनी पूरी की हैं और आगे भी पूरी होंगी, मुझे पूरा ट्रस्ट है इस चीज़ पे, बिकॉज ये चीज़ मैंने फील की है अपने लाइफ में, तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर करो। Hey guys, तो अभी आपने देखा मैंने कैसे डायरी राइटिंग की है एंड मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो मुझे मेरी डायरी में लिखना था। लाइक ये तो मेरी न्यू डायरी है जो कि इस रक्षाबंधन में मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, बट जो मेरी फेवरेट डायरी है ना वो है मेरी ड्रीम डायरी। जो मैं सोचती हूँ, हर वो चीज़ लिखती हूँ जो मुझे परेशान करती है, जो मेरे दिमाग में बार बार आती है। तो आप भी ऐसे करो फ्रेंड्स, प्लीज़ एक डायरी ले आओ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उस डायरी में डेली या फिर एक कोई आप दिन डिसाइड कर लो, जैसे मैं तो संडे, तो आप संडे को लाइक सोने से पहले या फिर उठने के बाद जब भी आपको टाइम डिसाइड करना हो, डिसाइड कर लो जो भी टाइम में लिखना हो एंड डायरी लिखना शुरू करो फ्रेंड्स।
कि जो भी हमें ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम है ना, जो भी हमारे दिमाग में आता है, दिल में आता है, फालतू की चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें, और बहुत लोगों की तो फैमिली लाइक अनसपोर्टिव होती है, रिलेटिव्स के ताने टॉन्ट, ये जितनी भी बकवास चीज़ें आपके दिमाग में आती है ना, सबको उस डायरी में लिख डालो। फिर देखो लिखने की एक बात होता क्या है ना कि आप रिलैक्स हो जाते हो, यू फील लाइक कि आपने अपनी चीज़ें यूनिवर्स को दे दी, आपने यूनिवर्स से बातें कर ली। और जब भी लिखो तो उसमें ज़रूर लिखो, मतलब जब भी डायरी लिखो तो ज़रूर उस दिन का डेट डालो और डालो हेलो यूनिवर्स, मीन्स आप गॉड से बातें कर रहे हो, भगवान से बातें कर रहे हो। एंड इन चीज़ों को करो फ्रेंड्स, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। मैं आज से नहीं, मैं 2021 से मैं कर रही हूँ ये चीज़, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें लिखती हूँ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मेरे दिमाग में आती हैं, मुझे परेशान करती हैं, मैं ये सारी चीज़ें लिखती हूँ। दूसरा, मुझे अपनी लाइफ में जो भी करना है, मेरे जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, एम्स हैं, मैं उन सबको भी डायरी में लिखना प्रेफर करती हूँ। अब जैसे देखो, मैंने बहुत पहले लिखा था कि मुझे मेरा खुद का स्टडी रूम चाहिए, लाइक 2021 में लिखा था। फिर धीरे धीरे चीज़ें होती गई, मैनिफेस्टेशन करते करते फाइनली मुझे 2022 में मेरा खुद का रूम मिल गया, स्टडी टेबल मिल गया, जिसमें आज मैं बैठ के पढ़ाई करती हूँ। और मैं ऐसे मैंने बहुत सारे गोल्स को अचीव किया है, कैसे, सिर्फ और सिर्फ लिख के। इसलिए आप भी ऐसे करो। अब ये मत सोचना कि क्या लिखने से गोल मिल जाता है, नहीं, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बट लिखने से होता क्या है ना, आप जब कोई चीज़ लिख लेते हो ना, आपको पूरा फोकस उस लिखने पे होता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है एंड आपका जो भी मैनिफेस्टेशन होता है वो पूरा हो जाता है। आप लिखते हो मीन्स आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एंड इम्पॉर्टेंट है इसका ये मतलब नहीं कि बस लिख दिया तो हो जाएगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। जैसे मैंने बहुत सारे डिज़ायर्स अपने पूरे किए लिख के, मैंने उसमें लिखा पूरे बिल्कुल यू नो फोकस के साथ लिखो, लाइक यू वॉन्ट इट, यू ईगरली वॉन्ट इट, चाहिए तो चाहिए, ये अपना माइंडसेट बनाओ एंड उसमें लिख लो। लाइक अभी हमारा क्या एम है, जैसे मेरा एम है कि मुझे SDM बनना है, तो मैं जैसे SDM बनना है ये नहीं लिखूँगी, आई विल राइट कि थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर बींग एन IS ऑफिसर फ्रॉम बींग SDM ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके लिखना है। और मैंने सारी चीज़ें यू नो लिखी है एंड बहुत सारी चीज़ें हो भी चुकी हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होने को बची हुई हैं। तो आप भी मैनिफेस्टेशन डायरी ले आओ एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको लिखो। और एक और डायरी जिसमें मैंने आपको बताया नहीं कि आप जो ओवरथिंक करते हो, फालतू की चीज़ें दिमाग में आती हैं, उनको लिखो। तो 2 डायरीज ले आओ, एक मैनिफेस्टेशन वाली जिसमें आप अपने गोल्स लिखोगे और दूसरी वो वाली जिसमें आप अपने अच्छे दिन, बुरे दिन, आपका एक्सपीरियंस, आपका कुछ आपके साथ बुरा हुआ वो लिख दो, कोई दिन ख़राब था या फिर आपके दिमाग में कूड़ा कचरा क्लटर गार्बेज आ रहा है, जो भी दिमाग में आता है ना सब लिख दो। तो 2 डायरी ले आओ एंड प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस, करो, बहुत अच्छा लगेगा। जो आप लोग कहते हो ना कि कहते नहीं भी होगी तो भी, देखो हम स्टूडेंट्स हैं, हम एस्पिरेंट्स हैं, हम सबके लाइफ में ये चीज़ ज़रूर होती है। लोगों को देख के लगता है अरे पढ़ी तो रहा है, अरे नहीं भाई, जो पढ़ रहा है उससे पूछो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। इसलिए इनको, इसको अपने माइंड को थोड़ा सा स्लो करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए ये करना शुरू करो और बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट मतलब फील होगा, आपको दिखाई देगा। प्लीज़ मेरे पे ट्रस्ट करो एंड स्टार्ट करो इसे करना, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी चेंजेस देखे हैं। इसलिए आप भी करो, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इससे आपका ना ये जो दिमाग है शांत होगा एंड आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो भी पूरे होंगे। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट डू इट। ओके, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करती हूँ, हमेशा तो पढ़ाई यही सब शेयर करना होता है, बट आज सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं मोस्टली शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मैं ना थोड़ा सा पर्सनल लगती हूँ, क्योंकि अब मैं डायरी लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ ये कौन दिखाता है, राइट। इसलिए सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस है, तो जो भी आपको लिखना आप वो लिखो। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, अब वो टाइम आ चुका है कि आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों में ये सारी दिक्कतें होती हैं दिमाग की, अपना पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली, रिलेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए सबको इसमें लिख दो एंड जैसे ही आप लिखोगे सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। एंड एक और डायरी में आप लिखोगे अपने मैनिफेस्टेशंस के गोल, ग्रैटिट्यूड, उससे आपके जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट फ्रेंड्स, स्टार्ट डूइंग इट एंड इसको करना शुरू करो, रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलेगा।